नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जिले के हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2022 और इसको पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। इसकी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वह पूर्णतः निःशुल्क रहेगी और आपका कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। आपके जो मार्कशीट के मार्क्स हैं उसके आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा और फिर आपको फिजिकल के आधार पर आपको फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा। तो यदि आप मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जिले के हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। यह है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया विशेष सहयोगदस्ता भर्ती 2022 की नियम पुस्तिका। इसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है भर्ती से संबंधित, तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बालाघाट, मंडला और ढिंडोरी जिलों के लिए, केवल 3 जिलों के ही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, केवल 3 जिलों के अभ्यर्थी, ठीक है, या निवासी। यह विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 हेतु नियम पुस्तिका है। इसके लिए जो आवेदन किए जा रहे हैं वह 6 दिसंबर 2022 से किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 28 दिसंबर 2022 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पर निःशुल्क है, आपकी कोई भी परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगी, ना ही आपका कोई फॉर्म शुल्क यहाँ पर रहेगा। आपका जो फॉर्म है वह ऑफलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन कहाँ पर किया जाएगा, यानी कि आप जौन से भी जिले के हो, बालाघाट, मंडला या ढिंडोरी जिलों के, तो इन SP ऑफिस में, इन जिले के SP ऑफिस में आप इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र ऑफलाइन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे, यानी जो आवेदन है आपको भर के और आपके डॉक्यूमेंट लगाकर पूरे कंप्लीट करके आपको SP ऑफिस में जाकर इसको 28 दिसंबर से पहले जमा करना होगा। इसके साथ आपको पूरे जो आपके डॉक्यूमेंट है वह यहाँ पर लगाना, या जो फोटोकॉपी करके आपको लगाना यहाँ पर अनिवार्य है। और यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 जिलों के लिए पहले यहाँ पर बता दिया गया है। अब जिले के कौन कौन से विकास खंड के अभ्यर्थी इसको आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बालाघाट, मंडला और ढिंडोरी। यहाँ पे देखिए जो विकास खंड यहाँ पर दिए हुए हैं, इन विकास खंड के ही अभ्यर्थी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग जिलों के अलग अलग पद यहाँ पर दिए हैं। बालाघाट के 80 पद हैं, मंडला के 30 और ढिंडोरी के यहाँ पर 40 पद हैं। टोटल यहाँ पर 150 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जा रही है। टोटल 150 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए आरक्षण से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर आपको दी गई है। आप पूरी जानकारी पढ़िए, आप इसको डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आप आवेदन आपके लिए करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है वह भी यहाँ पर अच्छी तरीके से विवरण यहाँ पर दिया है। जनरल वालों की यहाँ पर देखिए ओपन में है 23 पद, OBC के लिए हैं 23 पद, SC के लिए 14, ST के लिए 17, EWS के लिए 10 और टोटल यहाँ पर 87 हैं। महिला के लिए भी यहाँ पर UR यानी सामान्य के लिए हैं 14, OBC के लिए हैं 13, SC के लिए 8, ST के लिए 10 और EWS के लिए 5, टोटल 50 हैं। इन सभी को मिलाकर 150 पद यहाँ पर हो जाते हैं।
आरक्षण से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। जो भी यहाँ पर नियम रहेंगे वह सभी आरक्षण इसमें लागू किए जाएंगे, एससी एसटी और ओबीसी के लिए सभी इसमें आपको लागू किए जाएंगे, आपको फायदा उसका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए नियुक्ति एवं पद स्थापना, आपकी नियुक्ति कहाँ होगी और कब होगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि विशेष सहयोगी दस्ता यानी कि स्पेशल सपोर्ट यूनिट का, जो जिस जिले में आप हैं उसी जिले में आपका क्या होगा, उसी जिले में आपकी नियुक्ति होगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए चयन हेतु पदों की संख्या कम या वृद्धि की जा सकती है, यानी कि 100 पद अभी हैं इनको बढ़ाया भी जा सकता है और माइनस या कम भी किया जा सकता है। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी वह यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास और जो अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं पास यहाँ पर दी गई है, ठीक है, बहुत कम है, 8वीं और 5वीं पास यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दी गई। इसी आधार पर आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्या करना है, आप इन ज़िलों के 10 वर्षों, इन जो तीन ज़िले हैं इन तीन ज़िलों में से कोई एक ज़िले में 10 वर्षों से लगातार इसमें निवासरत हैं, यानी कि यहीं के आप निवासी होने चाहिए, तब आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, इस किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। यह गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिया, जितने भी गवर्नमेंट रूल हैं वह सभी इसमें लागू होने वाले हैं। वहीं बात करें हम यहाँ पर देखिए उम्र के बारे में, तो पुरुष आवेदक के लिए यहाँ पर है 18 से 33 वर्ष, महिला आवेदक के लिए यहाँ पर 18 से 38 वर्ष, और जो ओबीसी एससी और एसटी के लिए अभ्यर्थी रहेंगे इनको 18 से 38 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। अलग अलग यहाँ पर 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, यदि आपके पास विक्रम पुरस्कार प्राप्त हैं तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जाएगी और एससी एसटी के लिए भी आपको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए जो आपको वेतन मिलेगा वह 25,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा, 25,000 रुपये प्रतिमाह आपको इसके लिए वेतन दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की बात करें यहाँ पर, तो तीनों जिलों के नक्सल प्रभाव विकास खंडों के मूल निवासियों की जो आवेदक हैं इनकी न्यूनतम जो यानी कि 8वीं की परीक्षा मार्कशीट और 5वीं की जो मार्कशीट है इनके अंकों के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 8वीं और 5वीं के अंक के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद आपका फिर क्या होगा, आपकी शारीरिक परीक्षा होगी जो कि 80 अंक की रहेगी और आपका 20 अंकों का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। कितनी हो गए तो 100 नंबर यहाँ पर ये हो जाते हैं 100 नंबर। इसके बाद आपको फिर आपका होगा फिजिकल, फिजिकल में आपको क्या करना होगा, फिजिकल में आपको 1600 मीटर 1600 मीटर की दौड़ आपको 10 मिनट के पहले पूर्ण करनी होगी। यदि आप 10 मिनट के बाद इस दौड़ को पूरा करेंगे तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप 5 मिनट में इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे और जितने अधिक समय में आप इसको कंप्लीट करोगे उतने कम नंबर आपके लिए मिलेंगे, ठीक है। जितने कम समय में कंप्लीट करोगे उतना अधिक नंबर आपके लिए इसमें दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 या उससे कम में करोगे तो 100 नंबर या 5 से अधिक में करोगे तो उस तरीके से यहाँ पर देखिए जितना अधिक आपको समय लगेगा दौड़ कंप्लीट करने में उतने कम नंबर आपको दिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन वह यहाँ पर दूर चला जाएगा। इसलिए आप रनिंग की तैयारी अच्छी करिए ताकि आप कम से कम समय में 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पर पूरी कर सकें। इसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी, जो आपके देखिए जो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी तो 100 नंबर का आपका क्या होगा, आपका जो शारीरिक परीक्षा होगी और क्या होगा आपका 20 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर की आपकी दौड़, 200 नंबर में से आपको जितने नंबर मिलेंगे आपकी जो लिस्ट डलेगी उस लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल भी होगा, जो प्रतिक्षण है या ट्रेनिंग है वो भी आपकी यहाँ पर की जाएगी, हर एक चीज़ की जाएगी आपको, ठीक है। और आपको क्या क्या करना होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है कि आपको कौन कौन से कार्य आपको यहाँ पर करने होंगे और कौन कौन सी सेवाएँ यहाँ पर आपको मिलेगी, क्या क्या शर्तें हैं वह भी यहाँ पर देखिए, अलग अलग शर्तें और सेवाओं के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कब आपको छुट्टी मिलेगी, कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी, कितने दिनों तक आप छुट्टी पर रह सकते हैं, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए इसके बाद हम सभी जानकारी के बाद देखिए यदि आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसका आवेदन का प्रिंटआउट आपके लिए निकाल लेना है,
यह प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यह फॉर्म को अच्छे से फिल करके आपकी 8वीं 10वीं 5वीं की मार्कशीट लगाकर आपके लिए यह एसपी ऑफिस में जमा कर देना है। एसपी ऑफिस में आपके लिए यह जमा कर देना है, ठीक है। कब? 28 दिसंबर के पहले पहले आपके लिए यह जमा करना है। तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मध्य प्रदेश की वेबसाइट, मध्य प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो